भाई साहब कितना बड़ा बूट स्पेस है, कितना बड़ा बूट स्पेस है ना होनी चाहिए। ये 35 लीटर्स का बूट स्पेस है, इसमें डबल हेलमेट आराम से आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आज आया हूं TVS के शोरूम में और यहां पर हम आकर के रिव्यू करेंगे TVS जुपिटर 125 बाइक का। चलिए आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं यार, कम से कम थोड़ा तो यार सपोर्ट कर दो यार, मदद हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अपने बाइक के बारे में। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर TVS जुपिटर की बाइक, आप देख सकते हैं TVS जुपिटर की बाइक कितनी प्यारी लग रही है और साथ ही साथ यहां पर देखिए जैसे सितारे जड़े हुए हैं इस बाइक के साथ। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों इसका पहले लुक, लुक के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसके लुक के बारे में, आपको इतना खूबसूरत लुक है इसका दोस्तों, यहां पर किसी का भी दिल आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका फ्रंट लुक और ये साथ में देखिए इसका डिजिटल जो स्पीडोमीटर की तरफ है उसका लुक, और साथ ही साथ हम आपको इसकी सीट दिखाते हैं दोस्तों। यहां पर आपको लेदर का फिनिश टच मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए ये इसके पीछे का लुक है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत और TVS के लोगों के साथ यहां पर बाइक आती है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों साइड से भी इसका लुक, पहले आपको लुक दिखाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अगर आप देख सकते हैं तो आपको बहुत पसंद आने वाली है, साथ साथ इसमें DRL तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों, मतलब ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार लगने वाली दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों। ये देखिए DRL ऑन हो चुका है और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे इसका अलॉय व्हील, वाकई बेहद खूबसूरत सा अलॉय व्हील बनाया हो गया है इसमें। आप देख सकते हैं अगर दूर से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगने वाली आपको अलॉय व्हील, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सेक्सी लगने वाली है। और दोस्तों ये देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये बाइक आपको। और साथ ही साथ हम इस बाइक पे ज्यादा बात करने के लिए, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे हमारे यहाँ के ही सेल्समैन नवनीत जी का। नवनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत जी आइए आप हमारे साथ और हमारे इस बाइक के बारे में इस दर्शकों को बताइए। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ नवनीत जी का मेरे चैनल पर, एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम आप से जानना चाहते हैं कि इस बाइक के बारे में, हमें इस बाइक के बारे में बताइए, इसके कितने वेरिएंट आते हैं और कैसे कैसे बाइक आती है, कितने कलर में आती है, साथ ही साथ इसके इंजन कितने के हैं, कितना टॉर्क है इसका, तो कृपया करके हमारे दर्शकों को इसके बारे में ज्ञान दीजिए सर। ये तीन वेरिएंट में गाड़ी आती है हमारी 125 जुपिटर, ओके सबसे ज्यादा अच्छा जो भी चीज इसमें आपको मिलेगा वो आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा ही मिलता चल जाएगा। जैसे आप देखेंगे आपकी LED हेड लैंप चाहिए, गोल्ड टोन में आपका हेड लैंप है जो कि सबसे ज्यादा है इसमें, किसी भी कंपनी कोई बाइक में ऐसे डुअल टोन से हेड लैंप LED के साथ में नहीं आता जो कि हमारी गाड़ी में आता है। फुल्ली आपकी ये मेटल बॉडी के साथ में, आगे से फ्रंट से आप देखेंगे ये देखेंगे, बैक आप जाएंगे तो आपको ये सारा आपको देखो मेटल बॉडी में ही मिलेगा जो कि गाड़ी बहुत ही बेस्ट है। आप इसको गाड़ी को देखेंगे ये आपका सेफ्टी पर्पज से बहुत ही बेस्ट गाड़ी है, आपको गाड़ी में से उतरने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप फ्यूल को भराना चाहेंगे आप इसको यहाँ से ही ऑन करके फ्यूल टैंक आप खोल सकते हैं। ये इसका आगे के साइड में फ्यूल टैंक है, 5.1 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। एक बार फिर से खोल के दिखाइए दोस्तों दर्शकों को। इसको पुश कर देंगे और आपको खोलने के लिए ओनली इसको अंदर पुश करके की को और राइट साइड में आपको घुमाना होगा, आपका फ्यूल टैंक हो जाएगा, फ्यूल आप भरा सकते हैं, आप बैठे बैठे या आराम से आगे की साइड से ही अपना सीट खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों ये सीट खुल गई है, ओ भाई साहब कितना बड़ा बूट स्पेस है, कितना बड़ा बूट स्पेस है होनी चाहिए। ये 35 लीटर्स का बूट स्पेस है, इसमें डबल हेलमेट आराम से आ जाते हैं, आपका फुल मास्क का एक हाफ मास्क का हेलमेट बहुत आराम से आप उसमें कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा बूट स्पेस है, टोटल 33 लीटर का ये बूट स्पेस है जिसमें दो हेलमेट आप कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा आपको बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों जुपिटर के बारे में। और देखिए जैसा कि सर ने बता रखा है यहाँ पर आपको प्रॉपर मेटल बॉडी टच मिलेगा और कहीं भी आपको फाइबर टच मिलने वाला नहीं है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे सर, तो यहाँ पर सेफ्टी के बारे में हम एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी कैसे है, तो कृपया करके आप हमारा दर्शकों को मार्गदर्शन करिए। आप यहाँ से आपका हैंडल लॉक आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, दोनों साइड आप इसका हैंडल लॉक कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे आपको कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स होती है वो आपको यहाँ पे माल फंक्शन इंडिकेटर से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और आप अपने सर्विस सेंटर पे जाके अपनी गाड़ी को दिखा सकते हैं। वाह क्या बात है, ये आपका इकोनॉमी पावर मोड्स का है। अगर आप इकोनॉमी में गाड़ी को टर्न करते हैं तो 50-55 का आपको माइलेज मिलेगा। पावर में जाते हैं वो एक्सीलेटर पे आप डिपेंड करते हैं, हम जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करते हैं वो एक्सीलेटर पे ही डिपेंड करता है पावर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों अब यहाँ पर पावर हो गया। अगर मतलब अगर आप ज्यादा पावर लेते हैं तो आपका जाहिर सी बात है फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा यूज करेगी, और जब ज्यादा यूज करेगी तो माइलेज गाड़ी कम ही देगी। तो दोस्तों इकोनॉमी के मोड पे चलाइए और गाड़ी के फ्यूल को बचाइए। दोस्तों यहाँ पर आप एक को दिखाना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर भैया अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ अगर आपने स्टैंड लगा रखा है तो दोस्तों आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए आपने गाड़ी स्टार्ट की और यहां पर देखिए मैंने ये साइड स्टैंड लगाया, गाड़ी बंद हो गई। दोस्तों गाड़ी बंद हो गई। अगर घर में कोई बच्चा है और ये अगर वो शरारत कर देता है तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि उसके साथ कुछ हादसा होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने इसका ख्याल खुद ही रख रखा है। तो दोस्तों और यहाँ पर हम आपके डिजिटल मीटर में क्या क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ट्रिप है, साथ ही साथ आपका समय है, कितने मीटर किलोमीटर गाड़ी चली है वो है, साथ ही साथ कितना फ्यूल बचा है वो है, साथ ही साथ और दिखाना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके ये क्या है सर, अच्छा 30 किलोमीटर गाड़ी यहाँ से चल सकती है अभी तक, इसमें फ्यूल इतना है कि 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक गाड़ी इसकी रेंज बता रही है कि 30 किलोमीटर तक गाड़ी तक चल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों देखने के लिए, और साथ ही साथ यार हम तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक और चीज है आपका USB। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लगाइए USB और यहाँ डालिए फोन और चार्ज करिए और स्कूटी चलाने का अपना मजा लेते रहिए दोस्तों। और यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं आपको अलॉय व्हील्स, इसके बहुत ही प्यारे अलॉय व्हील्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं ये, और यहाँ पर डिस्क ब्रेक इतना खूबसूरत है दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके बैक में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बैक में इसके डिस्क ब्रेक है कि नहीं। तो दोस्तों बैक में पीछे ड्रम ब्रेक है, मतलब फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और बैक में इसके ड्रम ब्रेक है। साथ ही साथ हम इसके टायर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसके टायर आते हैं 12 इंच के, पीछे भी आते हैं 12 इंच की और सामने भी 12 इंच के टायर आते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको यहाँ पर 24 PSI प्रेशर के साथ आती है और पीछे जाती है तो 32 PSI प्रेशर के साथ आपका ये यहाँ पर हवा रहता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो टायर आते हैं वो ट्यूबलेस आते हैं, यहाँ पर आपको ट्यूबलेस देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपका टॉप मॉडल वेरिएंट है और इसके प्राइस एक्स शोरूम है 79,825 और इसके सबसे जो तीसरा आखिरी वेरिएंट है उसका प्राइस है 77,825। तो दोस्तों यहाँ पर आपके तीन वेरिएंट होते हैं, साथ साथ इसमें तीन कलर आते हैं ब्लू ऑरेंज और ग्रे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक बहुत ही शानदार बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एड्स की कटिंग है यहाँ पर इससे एक फायदा ये होता है कि अगर आप हवा में या किसी भी आंधी या तूफान में गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी जो स्कूटी बगल से हिल जाती थी और घूम जाती थी वो आपको अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके एड्स की ऐसी कटिंग की गई है कि यहाँ से एयर पास हो जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और DRL के साथ बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ ये जैसा भैया ने बताया कि ये ड्यूअल टोन DRL लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा DRL है। और ये देख सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर मोनोक्रोम का ये अपना साइड में काम किया गया, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको पीछे से और सामने से फ्रंट लुक और भी खूबसूरत लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब आप देखते हैं तो बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार गाड़ी लगती है दोस्तों। तो आपका एक बार दिल इस पर ज़रूर आएगा दोस्तों। और यहाँ पर आपको टायर में एक बार दिखाई देता हूँ फिर से। और दोस्तों हम अगर बात करते हैं इसके बूट स्पेस के, तो बूट स्पेस बहुत बड़ा है और पीछे से हम इसके लुक को दिखाते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए दोस्तों एक और कमाल की चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको जो लग रहा होगा पीछे टेल लैंप है वो दरअसल दोस्तों एक LED है, एक DRL है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ही लाइट में इन दोनों को इनबिल्ट किया गया है दोस्तों, एक ही लाइट में बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो दोस्तों अगर आपका कभी भी लाइट खराब होता है पीछे से या टूटता है तो आपको दो लाइट पे पैसे खर्च नहीं करने होते हैं, एक लाइट में ही आपका दोनों का काम हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आपको पीछे जो व्यक्ति है उसके लिए भी यहाँ पर एक लाइट दे रखी है दोस्तों, जिससे आपको पता चल जाता है कि पीछे से कोई गाड़ी चलाने वाला आ रहा है और साथ साथ एक टीवीएस का लोगो भी दिखा रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सीट जो है लेदर फिनिश की टच है, साथ साथ ही साथ हमको यहाँ पे साइलेंसर में भी हमको मोनोक्रोम का काम करके दिखाया गया दोस्तों, जो कि पीछे से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और साथ साथ यहाँ पर देखिए जुपिटर की सिग्नलिंग दी है जिसमें जुपिटर का लोगो है 125 के साथ, और इसकी इंजन कैपेसिटी 125 लीटर की है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैं सीट दिखाता हूँ, तो सीट भी इसकी लेदर टच है, लेदर की फिनिशिंग है, साथ ही साथ यहाँ पर हल्की सी सिलाई भी की गई है और बहुत ही इसको खूबसूरत बनाता है दोस्तों। और ये देखिए सामने से भी एक बार इस पर वर्क किया गया, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको लेग रूम भी बहुत ही ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर पैर रखने के लिए, तो लेग रूम भी बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर पीछे बैठने वाले के लिए फुटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ आपको हैंडरेस्ट भी मिल जाएगा पीछे पकड़ने के लिए, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सेक्सी गाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इस गाड़ी की प्राइसिंग ऑन रोड यहाँ पर 1 लाख तक जाने वाली है, और लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों आप गाड़ी को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सेक्सी और बहुत ही सही गाड़ी लग रही है। ये टॉप वेरियंट है जुपिटर की। और दोस्तों यहाँ पर हम हाइट इसके गाड़ी के वेट के बारे में बात करते हैं, तो गाड़ी का वेट है 108 किलो, इसकी लेंथ है गाड़ी की जो है 1852 mm, इसकी चौड़ाई है 681 mm, और इसका ओवरऑल हाइट है 1168 mm, और सीट की हाइट है 765 mm, यानी दोस्तों बहुत बड़ी सीट है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसमें साथ में जो पावर जो जनरेट करता है वो 8.0 bhp एट द रेट 65 rpm पावर जनरेट करता है, और इसकी गाड़ी का टॉर्क है 10.59 mm, और जो कि 4500 rpm पे जनरेट करता है दोस्तों। और यहाँ पर 3 वेरिएंट आते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। इसकी सेफ्टी के पर्पज से ये गाड़ी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप एक स्कूटी अपने चाहे बेटी के लिए चाहे लड़कियां खरीदना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत ही सेफ्टी के लिए इससे भी बहुत ही लिहाज से बहुत अच्छी ये गाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर आप आकर के शोरूम से ले सकते हैं, टीवीएस के शोरूम से, और यहाँ पर आपको गाड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है। मैंने तो गाड़ी देखी, बहुत अच्छी लगती है मुझे, और अगर आप चाहें तो इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कृपया करके अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही सर हम लोग की सपोर्ट का एक सिस्टम होता है जिसमें आप हमको प्यार दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूल।